और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं उत्तराखंड के हल्द्वानी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन शुरू हो गया है। श्रीमान गुरमीत सिंह जी, युवा और कर्मठ यहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री मदन कौशिक जी, केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट जी, मेरे साथी रमेश पोखरियाल निशंक जी, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, तीरथ सिंह रावत जी, श्री विजय बहुगुणा जी, उत्तराखंड सरकार में मंत्री श्री सतपाल महाराज जी, श्री हरक सिंह रावत जी, श्री सुबोध उनियाल जी, श्री बंशीधर भगत जी, संसद में हमारे साथी श्रीमती माला राजलक्ष्मी जी, श्री अजय टमटा जी, अन्य सांसद और विधायकगण और कुमाऊं के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वहां जो ऊपर है वो सब सलामत है ना? आपको सुनाई देता होगा, आप इतनी बड़ी मात्रा में वहां, कभी डर लगता है आगे मत बढ़ना भाई। चारों तरफ सारे बिल्डिंग पर आपका ये प्यार, आपका आशीर्वाद, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। गोलजू की यो पवित्र धरती कुमाऊं में आपू सबे भाई बहन को म्यार नमस्कार। बस सबे नान तिना के म्योर प्यार व आशीष। जागेश्वर, बागेश्वर, सोमेश्वर, रामेश्वर, इन तीर्थिलों की शिव स्थली को मेरा शत शत प्रणाम। देश की आजादी में भी कुमाऊं ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। यहां पंडित बद्रीदंत पांडे जी, उनके नेतृत्व में उत्तरायणी मेले में कुली बेगार प्रथा का अंत हुआ था। साथियों, आज कुमाऊं आने का सौभाग्य मिला तो स्वाभाविक है कि आप लोगों के साथ जो मेरा पुराना नाता रहा है, जो गहरा नाता रहा है, उसकी पुरानी यादें ताजा होना बहुत स्वाभाविक है। और ये इतनी आत्मीयता से आपने जो आज उत्तराखंड की टोपी पहनाई है, मेरे लिए इससे बड़ा गर्व क्या हो सकता है। मैं इसे छोटा सम्मान नहीं मानता हूं। उत्तराखंड के गर्व के साथ मेरी भावनाएं जुड़ जाती हैं। आज यहां 17,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। ये सारे प्रोजेक्ट्स
कुमाऊं के सभी साथियों को बेहतर कनेक्टिविटी, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने वाले हैं। और मैं आपको एक और खुशखबरी आज देना चाहता हूं। हल्द्वानी वालों के लिए मैं नए साल की एक और सौगात लेकर आया हूं। हल्द्वानी शहर के ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, विकास के लिए हम लगभग 2000 करोड़ रुपए की योजना लेकर आ रहे हैं। अब हल्द्वानी में पानी, सीवरेज, सड़क, पार्किंग, स्ट्रीट लाइट्स, सभी जगह पर अभूतपूर्व सुधार होगा। साथियों, इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए तेज गति से ऐसे ही विकास कार्यों पर, अनेक काम करने की जरूरत पर हमने जोर दिया है। और जब मैं कहता हूं कि उत्तराखंड का दशक है तो ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, ये जब मैं कह रहा हूं तो उसकी बहुत सारी वजह है। उत्तराखंड के लोगों का सामर्थ्य इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाएगा, ये मेरा पक्का विश्वास है। मैं इस मिट्टी की ताकत को जानता हूं दोस्तों। उत्तराखंड में बढ़ रहा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, चार धाम महापरियोजना, नए बन रहे रेल के सारे रूट्स इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाएंगे। उत्तराखंड में बन रहे नए हाइड्रो प्रोजेक्ट्स उत्तराखंड की बढ़ रही औद्योगिक क्षमता इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाएगी। उत्तराखंड में टूरिज्म सेक्टर का हो रहा विकास पूरी दुनिया में योग के लिए बढ़ रहा आकर्षण वो उत्तराखंड की धरती पर ही खींच करके लाने वाला है। पर्यटकों के लिए बढ़ रही सुविधाएं, होम स्टे अभियान इस दशक को उत्तराखंड का दशक बना के रहने वाले हैं। उत्तराखंड में बढ़ रही प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग, यहां के हर्बल उत्पाद कृषि क्षेत्र में भी यह दशक उत्तराखंड का होने वाला है। उत्तराखंड का दशक गौरवपूर्ण होने वाला है। आज की परियोजनाएं इन सब से जुड़ी हुई है। मैं उत्तराखंड के लोगों को आज हल्द्वानी की इस धरती से बहुत बहुत बधाई देता हूं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।